और बढ़ेंगे खबरों में। चबोली में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट के समर्थक हैं और ये भी बताया गया है कि युवक ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक से सवाल कर लिए थे और इसी से गुस्साए विधायक के समर्थक गुंडागर्दी पर उतर आए। साथ ही विधायक भी गुस्से में युवक पर झपटते नजर आए। युवक से उसका मोबाइल भी छीनने की कोशिश की गई। हाथापाई का सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद ये वीडियो कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। कमेटी द्वारा विधायक महेंद्र भट्ट जी का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। वहीं बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है कि युवाओं को मोहरा बनाया जा रहा है, युवकों के भविष्य का सवाल है, कांग्रेस उनके द्वारा किए गए काम से घबराई हुई है। मित्रों, कल सोशल मीडिया पर और कुछ टीवी चैनलों में मुझसे संबंधित वीडियो चलाया जा रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि एक बच्चे को मोहरा बनाकर जो एमए में पढ़ाई कर रहा है और इस प्रकार से दुष्प्रचार का हथियार उसको बनाया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, प्री प्लानिंग से वीडियो बनाया जाता है, मेरे आने से पहले कैमरा फिट रहता है, मेरी गाड़ी पहुंचती है, मैं गाड़ी से उतरता हूँ, उस व्यक्ति से मेरी वार्ता होती है और उसका प्रयास यह भी होता है कैसे करके मेरे पैर में लकड़ी से मुझे उलझाकर मुझे गिराया जाए, उसका वीडियो बने और बड़े प्रचार का वीडियो बने। कांग्रेसियों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक ने कहा कि कांग्रेस काम से घबराई है। कांग्रेसियों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि कांग्रेसियों ने नारेबाजी की, साथ ही साथ सवाल भी उठाए। बताया जा रहा है कि युवक ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक से सवाल कर लिया था और इसी से गुस्सा विधायक के समर्थक गुंडागर्दी पर उतर आए। साथ ही विधायक भी गुस्से में युवक पर झपटते नजर आए। युवक से उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। हाथापाई का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। कमेटी द्वारा विधायक महेश भट्ट जी का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। वहीं बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है कि युवाओं को मोहरा बनाया जा रहा है, युवकों के भविष्य के साथ सवाल है कि कांग्रेस उनके द्वारा किए गए काम से घबराई हुई है। और हमारे साथ बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, के न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते बहन जी, आप पर इल्जाम लगाए गए हैं और कांग्रेसियों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। सबसे पहले मैं आपसे पूरा प्रकरण समझना चाहूंगी महेंद्र जी। देखिए, ऐसा है, कोई प्रकरण नहीं है। कांग्रेस द्वारा सुनियोजित तरीके से दो तीन लड़कों के माध्यम से काम कराया गया। वो लड़के कल मुझसे मिलने आए थे जी। बहुत बड़ा साजिश का विषय बहुत धीरे धीरे खुलेगा, डरा हुए हैं वो लोग अभी। और मेरी गाड़ी आने से पहले कैमरा फिट किया गया जी। मुझे वहां पर दो तीन लड़कों द्वारा उलझाकर कि मैं किसी नीचे गिर जाऊं, लकड़ी से व्यवस्था बनाकर मुझे गिराने की कोशिश की गई और उसका भी वीडियो बनाने की कोशिश की गई। और मैंने जो बात परसों कही कि पूरी तरह कांग्रेस द्वारा नियोजित है, उस गांव के सारे लोग मेरे कार्यक्रम में लासी में थे, लेकिन वो अकेला तीन चार लड़के थे जिन्होंने अलग से वहां पर इस प्रकार के एक षड्यंत्र किसी कहने पर बना रखा था जी। तो मैं कह सकता हूँ कल वो लड़के मुझसे मिले थे और उनको इस बात का अफसोस है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था जी। और लेकिन मुख्य रूप से मैंने जो शुरू में कहा कि कांग्रेस विकास कार्य तो बौखला गई है। मैं गाँव गाँव सड़कें दे रहा हूँ, क्षेत्र के विकास में हर जगह जहाँ जो पूर्ति की जा रही है वो इनको पच नहीं रहा है। और जो आरोप मैंने परसों लगाए थे कल सिद्ध हो गया। कांग्रेस के लोगों ने मेरे पुतले दहन के कार्यक्रम के सिद्ध होता है, अगर वो सामाजिक कार्यक्रम होता गांव के लोग करते, कोई गांव का विरोध होता गांव की जनता देखती, लेकिन जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से कांग्रेस के लोगों ने इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की है उसके लिए जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी और समय पर इसका जवाब दिया जाए। जी महेंद्र जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपके अनुसार आपकी छवि खराब करने का काम किया जा रहा है। के न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमारे साथ बीजेपी विधायक महेंद्र भट्टी जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पर कहना उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो निराधार हैं और जिस तरीके से वो काम करवा रहे हैं या जो गांव के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं उसको लेकर जो कांग्रेस है वो बौखलाई हुई है। तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को निराधार बताया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि कांग्रेस युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उत्तरकाशी में इन दिनों ऑल वेदर का काम धरासू से जानकी चट्टी सड़क का चौड़ीकरण कार्य चल रहा है।